देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 लागू हो गया है। सरकार ने मंगलवार यानी 12 मार्च को एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। CAA के तहत नागरिकता लेने के लिए नीचे दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार आने वाले इससे जुड़े मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगी। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे आम जनता इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकती है। नमस्कार, मैं उमंग और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने सोमवार को CAA 2019 के नियमों को अधिसूचित किया। कानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुका है वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कैसे करें आवेदन? सबसे पहले आपको नीचे दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल पर जाएं, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA 2019 लिखे बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन को चूज करें, जिसके बाद आप नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिसके बाद बॉक्स में दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर करें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर किए गए मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों को फॉलो करें। आवेदन करने के लिए क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट्स? आवेदन करने के लिए आपको भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। कैसे हासिल करें नागरिकता का सर्टिफिकेट? फॉर्म में जारी जानकारी देने के बाद आपको पुष्टि करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। अगर किसी भी स्थिति में इंफॉर्मेशन गलत होगी तो उस फॉर्म को कैंसिल भी किया जा सकता है। सरकार के वेरिफिकेशन और संतुष्टि के बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और साथ ही आवेदक अगर हार्ड कॉपी चाहेगा तो भी उसको उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो में दी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।